गाइस वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में बहुत सारे टीम लीडर्स के और नए अपडेट्स लेकर आ चुका हूँ। सो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ध्यान से कर लेगा। सो मैं इस वीडियो में बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर करने वाला हूँ, जैसे कि क्या पहाड़ी टीम लीडर छोड़ तो चुके हैं, क्या पहाड़ी टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स ज्वाइन करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप चैनल बनाए हो तो फिर से बोल रहा हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि 90% लोग सब्सक्राइब ही नहीं किए हैं। सर फर्स्ट न्यूज़ आती है पहाड़ी गेमिंग की तरफ से, जो अगर आप उनके UID सर्च करोगे तो वो एक नए गिल्ड में मिलेंगे जो उन्होंने खुद क्रिएट करी है। तो गाइस उन्होंने नए गिल्ड क्रिएट करी है जिनका नाम है इंड इलीट। तो गाइस एक शायद से एक नया स्पोर्ट्स टीम हो सकती है पहाड़ी की तरफ से। इसके बारे में उन्होंने कुछ बताया नहीं है, लेकिन जहाँ तक तो मेरे को लगता है ये नई टीम होने वाली है पहाड़ी की, क्योंकि पहाड़ी भाई अब इलीट में नहीं रहे। और बहुत सारे बंदे बोल रहे थे कि पहाड़ी भाई ने ज्वाइन किया है, करने वाले हैं टोटल गेमिंग। तो गाइस ये बहुत ही फेक, बहुत बड़ा फेक न्यूज़ है, क्योंकि ये नहीं होने वाला है गाइस। ये किसी प्रूफ नहीं है, किसी आधार में ये होने वाले नहीं है, किसी पॉसिबिलिटी नहीं है। पर गाइस पहाड़ी एक और बार टीम लीड में आ सकते हैं, क्योंकि जॉन्टी भाई ने अपने इंस्टा में स्टोरी डाली है जिनमें उन्होंने बताया कि ये फाइट चलती रहती है। देखते हैं क्या होता है। मैं चाहता हूं कि पहाड़ी भाई फिर से लीड में वापस आए, पहाड़ी किलर जॉन्टी भाई और आइकॉनिक एक साथ खेले, क्योंकि ये लोग बेस्ट है। तो देख अगर कुछ नया अपडेट आती है तो मैं आपको खबर कर दूंगा। सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। और आखिरी अपडेट आती है किलर ऐप से, तो ये कुछ खास वाली नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि किलर भाई के जगह अगर आप UID सर्च करोगे तो उन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसा लिखा है। उन्होंने लिखा है नो टीम, मतलब शायद सिर्फ टीम लीड में किलर भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने बताया नो टीम, क्योंकि पहाड़ी भाई तो छोड़ चुके हैं लेकिन किलर के पास तो टीम होना चाहिए। तो शायद से किलर भी छोड़ रहे टीम लीड कुछ, क्योंकि किलर भी एक इंस्टाग्राम में स्टोरी डाले थे जिनमें वो बता रहे थे कि मैं भी टीम लीड छोड़ चुका हूँ। बट इन दी एंड यही पता चलती है हमको कि टीम लीड से दो बहुत बढ़िया प्लेयर्स किलर और पहाड़ी नहीं रहे अब टीम लीड में। इससे डायरेक्टली अफेक्ट पड़ेगी हमारी इंडियन ई-स्पोर्ट्स टीम में, क्योंकि ई-स्पोर्ट्स में, क्योंकि हमको इंडिया को रिप्रेजेंट करना था वर्ल्ड लेवल में, इंडियन सर्वर को रिप्रेजेंट करना था वर्ल्ड लेवल में, जो टीम लीड भी करवा सकती थी। लेकिन अभी दो मेंबर्स नहीं है, दो वाइटल मेंबर्स नहीं है, तो शायद से अब हार्ड होगी, क्योंकि पहले टीम लीड पहले जैसे नहीं रहेगी अब। बाकी आपको क्या कहना है इस मैटर के बारे में आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं आप सबका कमेंट पढ़ता हूँ, सबको हार्ट देता हूँ, सबको रिप्लाई भी देने की कोशिश करता हूँ। और गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि जल्दी से हमको 300 सब्सक्राइबर कमाना है। एंड आई एम डैम श्योर अगर आप सब मिलके एक एक सब्सक्राइब कर दोगे तो मेरा आज ही 300 सब्सक्राइबर हो जाएगा। सो आप मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, पीस। दिस इज 2X स्वरूप साइनिंग ऑफ।